क्लास सेवेंथ का फ्रैक्शन एंड डेसिमल का इंट्रोडक्शन पार्ट हम करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि फ्रैक्शन होता क्या है, फ्रैक्शन किसे कहते हैं या व्हाट इज फ्रैक्शन, ठीक है ना। सो देख लीजिए, हम फ्रैक्शन का डेफिनेशन देखेंगे। फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? अ पार्ट ऑफ होल, अ पार्ट ऑफ होल को हम फ्रैक्शन कहते हैं। इसका मतलब क्या, सपोज आपके पास एक बॉल है, ठीक है, बॉल को दो इक्वल पार्ट में अगर हम उसको क्या करते हैं, बीच से डिवाइड करते हैं, तो उसका फ्रैक्शन हम कहेंगे। सपोज ये आपके पास रेक्टेंगल है, ठीक है, ये, ठीक। अब इसको इक्वल पार्ट में हमने यहाँ से डिवाइड किया, यानी कि 1/2, 1/2, हम एग्ज़ाम्पल इस तरह से समझ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1/2, 1/3, 4/5, ये सारे चीज फ्रैक्शन होते हैं, क्लियर है। सो अब एक और समझ लीजिए एग्ज़ाम्पल, 1/3। सपोज़ ये आपके पास एक और रेक्टेंगल है, ठीक है, अब इस रेक्टेंगल को 3 इक्वल पार्ट में आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। सो 1/3, 1/3 एंड 1/3, इस तरह से आप फ्रैक्शंस को क्या कर सकते हो, बता सकते हो, या इस तरह से आपको क्या करना है, कोई आपसे पूछे कि फ्रैक्शन क्या होता है तो हम क्या बोलेंगे, अ पार्ट ऑफ होल को हम फ्रैक्शन कहते हैं, क्लियर। अब फ्रैक्शंस के टाइप्स अलग अलग होते हैं, देख लीजिए। फर्स्ट है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, अब देख लो आप, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस के अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। सो प्रॉपर फ्रैक्शन में एक्चुअली होता क्या है, फ्रैक्शन के टाइप्स बताने से पहले मैं थोड़ा सा एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा आपको। सपोज यहाँ 1/2 था ना, इसमें दो टर्म्स आ रहे हैं, आप देख लो, एक तो वन आ रहा है और दूसरा सेकेंड। सो ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर कहते हैं, क्या कहते हैं हम, न्यूमरेटर, और नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं, क्लियर। सपोज इसी तरह 1/3, सो वन आपका न्यूमरेटर हो गया और 3 जो हो गया वो आपका डिनोमिनेटर। सो व्हेन, ऐसे एकदम सिंपली समझना है, व्हेन एन इज लेस देन डी, यानी न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो इस कंडीशन में जो फ्रैक्शन होगा हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ से एग्जाम्पल देख लो, 1/3 ही ले लो आप। अब देखो 1 जो आपका है, 1 क्या है, डिनोमिनेटर से 3 से क्या है, लेस देन है। सो हम क्या कहेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें फाइंड करने के लिए, पहचानने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए हमें ये याद होना चाहिए या हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि नॉमिनेटर जो होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होता है, क्लियर। इसी तरह से सेकंड आपका है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या, सेम प्रॉपर फ्रैक्शन का ऑपोजिट हो जाएगा, व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर जब डिनोमिनेटर से ग्रेटर होता है, सो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4/3, और दूसरा एग्जाम्पल आप समझ लो, 2/9 होगा क्या, 2/9 बोलो, 2/9 नहीं होगा, ये हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, ठीक है ना। अगर यही 9/2 हम लिख दें तो ये हमारा हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्लियर है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, क्लियर। अब आपको क्या देखना है, एक आता है थर्ड इसका टाइप्स है मिक्स फ्रैक्शन, क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन होता क्या है,
इसको हम समझेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में होल नंबर के साथ फ्रैक्शन होता है। क्या होता है? होल नंबर के साथ, देखो ऐसे लिख लो, होल नंबर विद फ्रैक्शन, कोई भी होल नंबर के साथ फ्रैक्शन होगा, सो मिक्स फ्रैक्शन उसको हम कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 4/3/3 + 3/8 कर लो यहाँ पे, 4/3/8 इसको हम क्या कहेंगे? मिक्स फ्रैक्शन कहेंगे। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, 5/1/2, ये क्या हो गया? हमारा मिक्स फ्रैक्शन हो गया। क्लियर है? अब इसी तरह आपको देखना है कि मिक्स फ्रैक्शन से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। देखिए तो यहाँ पे चेंज या कन्वर्ट भी हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इंटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना? देखिए हम समझेंगे यहाँ पे, यही आपका ले लो, क्या है? 4/3/8 इसमें क्या क्या चीज़ है देख लो। फर्स्ट होल नंबर है आपका और न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, ठीक है ना? सो डिनोमिनेटर को हम होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूमरेटर को हम प्लस कर देते हैं, यानी कि इसको हम क्या करेंगे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, और जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा उसको हम क्या करेंगे यहाँ पे प्लस कर देंगे, और जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वहाँ उसको डिनोमिनेटर में ही रहने देते हैं। देख लीजिए ईजी वे में हम समझेंगे इसको, 4/8+3/8 क्लियर? हमने किया ना 4/8+3 और 8 हमारा डिनोमिनेटर था, हमने रहने दिया यहाँ पे। अब हमें यहाँ क्या करना है देख लेना है, 8/4 = 32+3/8 सो हमारा आएगा 35/8। देखिए मिक्स फ्रैक्शन से हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया कि नहीं। इसी तरह से एक और एग्जांपल आप ले लीजिए, ठीक है? एक एग्जांपल आप यही एग्जांपल आप ले लीजिए, 5/1/2 क्या करेंगे हम? सबसे पहले पहले 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और न्यूमरेटर को हम 1 से प्लस करके फिर हम एज इट इज़ 2 यहाँ पे पुट कर देंगे। सो 5 × 2 = 10 + 1 = 11/2 दिस इज़ द आंसर। ओके, अभी हमने सीखा मिक्स फ्रैक्शन से कैसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। अब इम्प्रॉपर या कन्वर्ट लिख लो यहाँ, कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फ्रैक्शन इंटू मिक्स फ्रैक्शन, क्या लिखेंगे हम? इंटू मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है? कैसे करेंगे? सपोज आपके पास 20/9 है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 20 न्यूमरेटर एंड 9 योर डिनोमिनेटर। सो इसको हम क्या करेंगे, इसका ऐसे हम लिखते हैं ना, जो डिनोमिनेटर होता है उसको न्यूमरेटर में हम डिवाइड करते हैं, आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, क्लियर? 9 का टेबल 2 टाइम्स हम पढ़ते हैं, काउंट करेंगे तो 18 आएगा हमारा, सो हियर 18 एंड दिस इज योर 2। अब देखना है रिमाइंडर जो है आपका न्यूमरेटर हो जाएगा, क्या होगा यहाँ से आप समझो, ये डाउनसाइड में, डाउनसाइड का अपसाइड में, अपसाइड का साइड में हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर जो है वो क्या हो जाएगा आपका, रिमाइंडर हमेशा न्यूमरेटर हो जाता है, और क्वेश्चन आपका जो है वो क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन हॉल नंबर का काम करेगा, और जिससे आप डिवाइड कर रहे हो कहाँ हो जाएगा, डिनोमिनेटर में, यानी कि हम इसको अरेंज करेंगे 2, ठीक है, यहाँ पे ला रहा हूँ, और 9 था वो कहाँ पे आ गया हमारा नीचे, और रिमाइंडर था वो कहाँ पे चला गया, न्यूमरेटर हो गया, क्लियर? एक और एग्जांपल हम समझते हैं यहाँ पे, 18/7 देख लो, इससे करेंगे हम 7 से आपको डिवाइड करना है यहाँ 18th में, ठीक है? अब यहाँ 7 × 2 = 14 ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका 4, क्लियर है? अभी हम कैसे करेंगे बताइए, या कि रिमाइंडर ये हमारा है तो रिमाइंडर चला जाएगा अपसाइड में, क्वेश्चन हमारा आ जाएगा हॉल नंबर का काम करेगा,
और जिससे हम डिवाइड कर रहे थे वो हमारा आ जाएगा डिनोमिनेटर। क्लियर है, इजी है कि नहीं? सो हम कैसे चेंज कर सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में? ठीक है, अब क्या देखना है, अब जो फ्रैक्शन होते हैं उसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन हम देखेंगे। देखो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का एडिशन और सब्सट्रैक्शन हम देखेंगे। ठीक है, बहुत इजी है। आप देखिए यहाँ पे सपोज आपके पास 1/3 प्लस 1/3 है, 2/3 ले लो आप, 1/3 प्लस 2/3 है। अब देखो तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो ये अब एक तरह का और यहाँ पे फ्रैक्शंस के टाइप हो जाएंगे, इसको हम लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। याद रखना, अब समझने वाली बात है, डिनोमिनेटर दिया हुआ हो किसी फ्रैक्शन का, दो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर दिया हुआ हो और दोनों डिनोमिनेटर, दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर अगर सेम होते हैं तो क्या हम उसको कहेंगे? लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है ना? सो अब इसमें क्या करेंगे, जब लाइक फ्रैक्शन होता है तो सेम एज इट इज़ हम यहाँ पे लिख देते हैं, और 1 + 2, सो 3/3 इज इक्वल टू 1। क्लियर? एक और एग्जांपल देखते हैं, 4/5, 6/7। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों का सेम नहीं है, सो ये क्या हुआ? सबसे पहले तो ये हम इसको बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? अनलाइक फ्रैक्शन। क्लियर है? अब ये अनलाइक फ्रैक्शन है सो इसको हम क्या करेंगे, अब 5 और 7 का ऐसा कॉमन टेबल जो आता हो, जो दोनों ऐसा नंबर हम लेंगे जो दोनों टेबल में आता हो, या इसका दो मेथड है। पहले चलो मैं आपको बताता हूँ इजी वे में, समझने का आप प्रयास करना। यहाँ पे 5 और 7 को हम क्या करेंगे, पहले ऐसे हम इसको लिख सकते हैं 4/5 इंटू 7/7, यानी कि दूसरे फ्रैक्शन में जो दूसरा नंबर होता है उसको हम उसमें क्या करते हैं, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 2 4 7 28 एंड 5 7 35। अगेन 6/7, अभी यहाँ 7 है डिनोमिनेटर, तो फर्स्ट वाले के डिनोमिनेटर 5 है, सो 5 से हम क्या करेंगे इसमें अप एंड डाउन यानी न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 30/35। क्लियर? अब इसको आपको लिखना है 4/5 प्लस 6/7 इज इक्वल टू 28/35 प्लस 30/35। अब आप देख लो यहाँ पे ये क्या हुआ, हमारा लाइक फ्रैक्शन है, सो लाइक फ्रैक्शन को एज इट इज़ हम यहाँ पे रहने देते हैं। ठीक है, अब यहाँ 28 प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 30, सो आपका आया 58/35। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? अगेन आप देख लो इसका सेकंड मेथड, आप सेकंड मेथड कैसे करेंगे, आपको जो अच्छा लगे आप करना। यहाँ पे आप देखना 4/5 प्लस 6/7 है ना, तो इसमें हमें क्या करना है, 5 और 7 का एलसीएम ले लेना है। क्या करेंगे? 5 और 7 का एलसीएम, 5 × 5 = 7, अगेन 7 × 1 = 1, सो 5 × 7 = 35। क्लियर है? सो यहाँ आपका क्या आया, 35 आया। अब 5 में हम 35 से डिवाइड करेंगे सो हमारा कितना आ जाएगा, 7 times, तो 7 × 4। ठीक है, प्लस है, प्लस का सिंबल देंगे, 7 से 35 में आप डिवाइड करो सो कितने टाइम्स, 5 times आएगा, सो 6 × 5। अगेन 7 × 4 = 28 प्लस 6 × 5 = 30 डिवाइडेड बाई 35 इज योर 58/35। दोनों कंडीशन में आंसर्स आपके सेम आएंगे। ठीक है, अभी हमने प्लस क्या देखा, अब माइनस का देखते हैं। यहाँ पे आप ले लो 1/5 माइनस 5/7। ठीक है, ले लिया हमने। अब यहाँ पे देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है सो ये क्या होगा, अनलाइक फ्रैक्शन हो गया। तो अनलाइक फ्रैक्शन में या तो आप 5/7 का क्या करेंगे, हम ले लो एलसीएम ले लो आप, सो 5/7 का एलसीएम हमने लिया यहाँ पे, 5 और 7 का एलसीएम,
सो हमारा क्या आ जाएगा, 5 1 5 और 7 7 1 7 एंड 1, सो आ जाएगा 35। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा एलसीएम आया 35। अब 5 से हमने 35 में डिवाइड किया तो 7 टाइम्स, सो 1 मल्टीप्लाई 7 माइनस 7 से हमने डिवाइड किया 35 में, सो 5 टाइम्स आएगा, सो 5 इंटू 5, यहाँ 7 माइनस 25 बाई 35। क्लियर है? सो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे एक समझने वाली बात है, प्लस माइनस माइनस होता है, जिसका एक्शन, जिसका साइन, जिस नंबर का साइन बड़ा होगा उसी का साइन हम यहाँ पे लेते हैं। तो 25 माइनस 7 कितना आ जाएगा आपका, 18 बाई 35। ठीक है, एक और हम देखते हैं मिक्स फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्शन देखते हैं, 4/3/2 माइनस 3/2/5। ठीक है, सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 2 8 3 प्लस 3, सो 8 3 हो जाएगा हमारा 11/2, माइनस है तो माइनस देंगे, 5 3 15 और 2 17/5। अब 5 और 2 का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 2 से हमने 10 में डिवाइड किया, सो 5 टाइम्स, सो 5 इंटू 11, माइनस 5 से हमने डिवाइड किया 10 में, सो 2 टाइम्स होगा, सो 2 इंटू 17, यहाँ हो जाएगा 55, 11 5 55 माइनस 17 2 34/10। अब यहाँ माइनस आप करोगे 1 2/10 यानी 21/10। क्लियर है? सो आप इस तरह से बहुत इजी वे में कर सकते हो। अब हम करेंगे फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, समझिए, बहुत इजी है और ये सारे आप करोगे तो आपके पूरा एक्सरसाइज में ये हो जाने वाला है। क्लियर? सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। सो इसमें हम पहले देखेंगे बाय अ होल नंबर से, होल नंबर से कैसे हम फ्रैक्शन में करते हैं। देख लो यहाँ पे, फॉर एग्जांपल 2 इंटू 3/5 है ना, एक हमारा ये होल नंबर है और ये फ्रैक्शन हो गया। सो अभी आप देखना, इसमें अक्सर बच्चे क्या गलतियाँ करते हैं, 3 2/5 कर देते हैं, ये रॉन्ग होगा। ठीक है, ऐसे नहीं करना हमको, यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर नहीं है, सो डिनोमिनेटर 1 लेट कर लेंगे क्या, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो सेम आता है, सो 2/1 × 3/5। अब देखो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, 2 × 3 1 × 5, 2 3 6 1 5 5, ये हमारा आंसर हो गया। एक और एग्जांपल हम समझते हैं, 9 × 10/18, 9 × 10/18, ये सिंपलेस्ट हो रहा है तो आप इसको सिंपल कर सकते हो, अगर छोटा हो रहा है कट होके तो इसको आप कर सकते हो। ठीक है ना, अभी सेम चीज़ हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे 1। ठीक है, सो 9 × 10 एंड 1 × 18, सो हमारा आ गया 19/18। क्लियर? अब 19/18 आया, देखो तो 9 2 10, 9 10 जा कितना हो जाएगा आपका 90, 2 2 2 5 10, सो आंसर आपका क्या आ गया, 5 आ गया। है कि नहीं इजी? बहुत इजी है, आप इजी तरीके से इसको कर सकते हो और ये अगर आप कर लेते हो तो पूरा एक्सरसाइज आपको आसान से बन जाएगा। ठीक है, अब एक नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, बाय अ फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स भी कहते हैं, ऑफ भी कहते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे आप एग्ज़ाम दोगे तो अलग अलग, या टेस्ट देते हो तो वहाँ लिख देगा कि फाइंड 3/4/5, फाइंड प्रोडक्ट्स ऑफ 3/4 इंटू
समथिंग ऐसा दे देता है आपका क्वेश्चन, वो समझना आप यहाँ पे। सपोज आपका 12 अपॉन 9 है मल्टीप्लाई 4 अपॉन 16, ठीक है, फ्रैक्शन है दोनों, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। हमने भी क्या आपको बताया कि जो आपका यहाँ सिंपल फॉर्म में हो रहा है तो आपको करना है, लोवेस्ट फॉर्म में हो रहा है तो करना है, यानी कि कहने का मतलब यहाँ से ये दोनों डिवाइड हो रहा है या ये इससे डिवाइड या इससे इससे, तो इसको सिंपल कर दो। आप देखो तो 4 का टेबल में 4 वन जा 4, 4 4 जा 16, 3 4 जा 12 और 3 9 जा 3 3 जा 9। अब देखो तो 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, हमारा क्या आ गया 1/3, ठीक है, ये तो लोएस्ट हो रहा था। अगर नहीं हो तो क्या करेंगे हम, 1/2 यहाँ लिख दो 5/2 इंटू 9/7, यहाँ तो नहीं हो रहा है, क्लियर। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, सेम चीज़ 5 × 9/2 इंटू 7, 9 × 5 = 45 एंड 2 × 7 = 40, क्लियर है, ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन का, क्या करेंगे हम डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन, देख लो यहाँ पे। अभी हमने मल्टीप्लाई किया ना, सो अब डिवीज़न का भी देख लेते हैं, डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन। डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन में क्या होगा, आप देख लो 9 को आप डिवाइड कर लो 13/16, ठीक है, इसका दो तरीका होता है। सबसे इजी वाला तरीका आप देख लो, क्या करेंगे 9, अब यहाँ डिवाइड का सिंबल है ना, इसको चेंज कर दो मल्टीप्लाई में। डिवाइड का सिंबल अगर आप मल्टीप्लाई में, इफ़ यू आर चेंजिंग इन मल्टीप्लाई, देन क्या होगा, इसके बाद जो टर्म आता है 13/16 है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका 16/13, क्लियर, यानी कि 13/16 का रेसिप्रोकल लिख देना है डिवाइड को, जैसे ही आप यहाँ से स्किप करते हो और उसकी जगह मल्टीप्लाई लेते हो तो। सो हो जाएगा हमारा यहाँ पे क्या 9 × 16/13। अब 16 9 जा कितना होता है, 16 9 जा होगा 144/13, ठीक है, 144/। अभी दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज आप 4/15 डिवाइडेड बाय 16/5, क्लियर। सो इस कंडीशन में क्या करेंगे, सेम चीज़ अप्लाई करना है 4/15। अब हमने डिवाइड का सिंबल को क्या करेंगे, चेंज करना है मल्टीप्लाई में, सो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, चलो बताओ आप 5/16, हमने बोला था ना कि डिवाइड के बाद जो टर्म आता है उसको हम रेसिप्रोकल लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे हो रहा है लोएस्ट फॉर्म में, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, 4 × 1 = 4 और 4 × 4 = 16, सो 1 × 1/3 × 4 = 1/12, क्लियर। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे सिंपलेस्ट या लोएस्ट फॉर्म में करना। आप देखे होंगे कि आपका फ्रैक्शन दिया रहता है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है, सो इसको सिंपलेस्ट और लोएस्ट फॉर्म में करने के लिए क्या करेंगे हम, सपोज आपके पास लिख दो यहाँ पे सिंपलेस्ट एंड लोएस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, एंड मिक्स फ्रैक्शन। इसको हम कैसे करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में और ये में लोएस्ट फॉर्म में। सपोज आपके पास दिया हुआ है 14/18, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म या लोवेस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे, अभी आपको देखना है कि ये दोनों किसके टेबल से जा रहे हैं, 2 के टेबल से, 2 × 7 = 14, 2 × 9 = 18, सो 7/9 हो गया कि नहीं। अगेन एक एग्जांपल और देख लो आप, 4 × 3/5, सो हम इसको क्या करेंगे, 4 × 5 + 3/5, सो हमारा आ जाएगा 20 और 3 23/5, बहुत इजी है।
आप इसी तरीके से इसको कर सकते हो, और ये करते हो तो पूरा एक्सरसाइज आपको इजी वे में हो जाएगा। अब डेसिमल हम देखेंगे, क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डेसिमल्स। डेसिमल्स को हम पॉइंट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है ना, डेसिमल को हम पॉइंट भी कहते हैं। इसमें क्या करना होता है अपने को कि डेसिमल में इसमें देखना होता है ग्रेटर डेसिमल कौन है, स्मॉलर कौन है, जो दिया हुआ हमारा नंबर रहता है उसका। डेसिमल जैसे ही आता है दिमाग में या पॉइंट जैसे ही आता है तो आपको समझ लेना है कि जो दिया हुआ नंबर है वहाँ पे कहीं पे पॉइंट होगा, सो हम उसी को डेसिमल, सपोज 6.7 और यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है तो कैसे पढ़ेंगे, 6.7 या 6.7। अब यहाँ पे आपका 7.6 दिया हुआ है, ठीक है। अब इन दोनों में कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है, ग्रेटर और स्मॉलर का हमें बताना है और इक्वल का। अब देखो तो डेसिमल के लेफ्ट साइड को आपको देखना है, ठीक है ना, डेसिमल के लेफ्ट साइड से आपको जज करना होता है। अब देखो डेसिमल के लेफ्ट साइड में यहाँ 6 है और इसके डेसिमल में 7 है, तो इन दोनों में कौन बड़ा है, विच वन इज़ ग्रेटर, सो 7 इज़ ग्रेटर, सो ये ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 7.3.42 और 7.8.53। अब इन दोनों में आपको जज करना है कि विच वन इज़ ग्रेटर, ठीक है, और स्मॉलर। सो आप, हमने क्या बताया था, डेसिमल के राइट लेफ्ट साइड को देखो, यहाँ भी डेसिमल के लेफ्ट साइड को देखो। सो डेसिमल के लेफ्ट साइड को देखते हैं यहाँ पे 73 और यहाँ पे डेसिमल के लेफ्ट साइड को देखते हैं 78। 73 और 78 में कौन बड़ा, विच वन इज़ ग्रेटर, सो ये है हमारा ग्रेटर, सो ये हो जाएगा। अब इसी तरह सिमिलरली आप देख लो 4.56। अब देख लो तो ये क्या होगा, ये आपस में इक्वल होंगे क्योंकि देखो सेम चीज़ है, ठीक है ना। अगेन आप देख लो 3.21 2.31। अब देखो इसमें कौन सा ग्रेटर होगा और कौन सा स्मॉलर होगा, सो यहाँ पे आप देखो यहाँ आपका 2 है यहाँ 3 है, सो विच इज़ ग्रेटर, दिस वन इज़ ग्रेटर एंड दिस वन इज़ अ स्मॉलर। सो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब डेसिमल का अब क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन हम सीखेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स में, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स, ठीक है। यहाँ पे देखो कैसे करेंगे हम, सपोज आपका एग्जांपल ले लो 3.0.3 × 9। हम यहाँ क्या करेंगे, पॉइंट आपको यहाँ पे भूल जाना है कि आपका पॉइंट भी दिया हुआ है, यहाँ सिंपली 3.9 × 27। अब कितने नंबर के बाद डेसिमल आता है, तो एक नंबर के पहले, तो एक नंबर के पहले आप यहाँ पे डेसिमल लिख दो, ठीक है। अब इसी तरह से 22.5 × 1.5, क्लियर। इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सो जैसे हम मल्टीप्लाई सिंपली करते हैं वैसे ही करेंगे, 25 यहाँ पे 50, ठीक है। अभी डेसिमल आपको साइलेंट रखना है, भूल जाना है कि डेसिमल हमको दिया हुआ भी है। सो 5 × 25 = 2, 5 × 10 = 12, 5 × 5 = 5, 5 × 1 = 2, क्लियर। यहाँ पे 5, 7 और यहाँ 3 हो जाएगा। अब देखो तो 1 के बाद है डेसिमल, यहाँ भी 1 के बाद, यानी कि 2 के बाद डेसिमल को हमको पुट करना है, 2 डिजिट के बाद, 2 डिजिट के पहले आप कर लो 1, 2, क्लियर। यहाँ पे हो गया हमारा, हम जब भी जाते हैं तो राइट टू लेफ्ट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट नहीं जाते, लेफ्ट टू राइट आप जाओगे तो रॉन्ग हो जाएगा। सो फाइनली आंसर हमारा ये आ गया, ठीक है। अभी देखो बाय जनरली देखा जाता है कि डेसिमल को 10 से 100 से 1000 से 10,000 लाख से इसी तरह जाता है। सो हम कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका दो तरीका होता है। आप सपोज़ 0.3 × 9, यही था हमारा, ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल। अभी तो एक सिंपल है कि इसको फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, डेसिमल जो होता है उसकी जगह 1 और डेसिमल के बाद जितने नंबर जितने डिजिट उतने 0। सो 1 डिजिट था, 1 हमने 0 रख दिया यहाँ पे। अब यहाँ क्या आ गया हमारा, 3 × 9/10, यानी 27/10 इज़ इक्वल टू 27/10 हो गया हमारा, ठीक है,
27/10। अब इसी को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करना चाहें, देख लीजिए 0.3 × 10, क्लियर। सो इसको हम क्या करेंगे, सेम चीज़ 0.3 को हमने फ्रैक्शन में चेंज किया, यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल, या डेसिमल क्या हुआ आपका बाहर आ गया, यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 3। सो इस तरह से आप बहुत इजी वे में कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक है अपना डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन, डेसिमल का डिवीज़न ऑफ डेसिमल लिख लो, डिवीज़न ऑफ डेसिमल, ठीक है। क्या हो जाएगा, सपोज़ आपका यहाँ पे दिया हुआ है 0.4 / 8, 0.4 / 8, तो हम सिंपली क्या करते हैं 0.4/8 हम लिख देते हैं कि नहीं, क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है, डेसिमल को आपको स्किप करना है, यहाँ पे फ्रैक्शन में चेंज करना है। सो हम यहाँ 1 और जितने डिजिट उतना 0, सो 4/8 × 10, और 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 10 इज इक्वल टू 1/20, 10 × 2 = 20। या ऐसे भी कर सकते हो 0.4 / 8 था आपका, सो यहीं पे आप इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो, सो आपका कितना आ जाएगा 4/10। हमने क्या बताया था, डिवीज़न को मल्टीप्लाई में जब हम करते हैं तो इसका राशि प्रोकल हो जाता है, यानी कि 1/8 हो जाएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, सो 1/10 × 2 इज इक्वल टू 1/20, क्लियर हो रहा है कि नहीं। बहुत इजी है। अब डेसिमल को ही डेसिमल से हम कैसे करते हैं, डेसिमल को डेसिमल नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं, ये हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। 0.4 / 0.16, क्लियर है। अब दोनों डेसिमल है, अब इसको कैसे हम डिवाइड करेंगे, तो सिंपल 0.4 को आप फ्रैक्शन में चेंज करो, डिवाइड है डिवाइड रहने दो, सेम चीज़ यहाँ 0.16 आपका है, तो यहाँ पे आपने किया 1 और यहाँ 00, क्योंकि 2 डिजिट है तो 00 हमने डाला। अब 4/10 डिवाइड को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, अब रेसिप्रोकल इसका कर देंगे 100/16, 00 कैंसिल, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, अभी क्या आया हमारा 10/4। अब यहाँ देखना 2 से जा रहा है, 2 × 2 = 4 और 2 × 5 = 10, सो हमारा आ गया 2/5। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है कि, और जैसे जैसे आपको क्वेश्चंस पूछेंगे कि जो डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद उसको मिक्स फ्रैक्शन में करें, तो उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। और अगर ये एक्सरसाइज आप करेंगे चैप्टर, तो सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में करवा दिए हैं, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।